न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पे सारे राज्य का हक है, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, सभी लोगों का हक है। जिस तरह से दिल्ली से बिहारी मजदूर भाइयों को, बिहार के लोगों को भ्रमित कर और वहाँ से पैदल भेजा गया, केजरीवाल जी से ये इतनी नीची हरकत ये कर सकते हैं, ये उम्मीद हमें नहीं थी। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आपको हम बताए थे कोरोना वायरस से समय, जिस समय दिल्ली से, नवादा या बिहार से मजदूर जो आने वाले थे, उस समय जो जिस तरह था नोएडा में भीड़ लगी, उसके प्रति नवादा के सांसद चंदन सिंह क्या बताएंगे, आइए उनकी ही बातों को पहले हम सुनते हैं। देखिए, आप लोग भी देखे होंगे टीवी चैनल के बात, टीवी चैनल वाले हैं ही, हम तो अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि लॉकआउट है तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आज हमको रहा नहीं गया तो अपने नवादा संसदीय क्षेत्र आया लोगों का हाल समाचार जानने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली से बिहारी मजदूर भाइयों को, बिहार के लोगों को भ्रमित कर और वहाँ से पैदल भेजा गया, यही केजरीवाल जी से ये इतनी नीची हरकत ये कर सकते हैं, ये उम्मीद हमें नहीं थी। हमें ही नहीं, पूरे देश के लोग इससे आहत में हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पे सारे राज्य का हक है, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, झारखंड के हो, सभी लोगों का हक है। आज केजरीवाल जी की जो सरकार बनी है वो बिहारी मजदूर भाइयों की देन है कि सारे बिहार मजदूर भाई एक होकर उनको बिहार दिल्ली में सरकार उनका बनाया, दिल्ली में उनको मुख्यमंत्री बनाया, और आज जिस तरह वो रात में जाकर अनाउंसमेंट करवा के कि सारे बिहार यहाँ से चले जाओ, बिहार चले जाओ, उस तरह से उन्होंने रगेदा, ये क्या एक आत्मीयता की पहचान है? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, वो जो किए बिल्कुल गलत किए, उनको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह से उन्होंने लोगों को भ्रमित कराकर पैदल मार्च करवा के बिहार भेजने का काम किया, आज दिल्ली अगर सुंदर है, अगर दिल्ली हर चीज़ से सुंदर दिखता है, चाहे वो बनावट में हो दिल्ली, चाहे वो खाने पीने में हो, तो बिहारियों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और आज उसी बिहारी को इन्होंने जिस तरह से वहाँ से भगाने का काम किया, बिहारी ये बातें भूलेगी नहीं और इसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। आप देख सकते हैं नवादा संसद ने कहा कि बिहार के ही वोट से वो मुख्यमंत्री के पद पर तैनात है, अब मुख्यमंत्री वोट पड़ा, लेकिन वो जिस तरह से बिहारियों को वहाँ से खदेड़े हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, आने वाली समय में उन्हें फिर जवाब जरूर मिलेगी। नवादा से न्यूज़ के लिए अमन की रिपोर्ट।